आपको अपने आसपास किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है तो आपको कौन से आसान, अचूक और असरदार उपाय करने चाहिए ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, कारोबारियों की बात कर ली, जो नौकरी पेशा है उनकी बात कर ली, परिवार की बात कर ली, लेकिन हम बाहर जा रहे हैं, आसपास नेगेटिव एनर्जी हमें फील हो रही है, तो ये कैसे पता लगता है और इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? देखो, कुछ लोगों को तो नेगेटिव एनर्जी फील भी नहीं होती है और कुछ लोगों को फील होती है। एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी जो है, मनुष्य के शरीर से, सिर से ही निकलती है। जैसे पूजा आपने देखा होगा, बारात जब चलती है तो बारात के दोनों तरफ रथ के आगे रोड लाइट चलती है और उसके बीच में कुछ लोग नाचते हुए चलते हैं, तो उस बीच में नाचने वाले और बीच में चलने वाले बड़े वीर लोग होते हैं। अगर आपको उस भीड़ में कर दिया जाए तो आप निकल करके दो चार कदम में दाहिने बाएं हो जाना चाहेंगे, क्योंकि आपका ओरा, आपका आभा मंडल उतने लोगों के आभा मंडल से जब टकराएगा तो आपके अंदर बेचैनी बढ़ जाएगी और आपको इतनी बेचैनी हो जाएगी कि आप सफोकेशन महसूस करेंगे और आप निकल कर भाग कर बाहर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका आभा मंडल शून्य है या बिल्कुल कम है तो किसी से टकराए ना टकराए कुछ नहीं होता है, तो आप उसी बीच में चलते रहेंगे। तो ये जैसे एक, मतलब कि बड़ा अधिकारी कोई है, उसके केबिन में जाने वाले लोग वन बाई वन ही जा सकते हैं, कभी दस लोग जा करके एक साथ खड़े होकर के उससे साइन नहीं करवा सकते हैं, वन बाई वन, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग जाएंगे तो ज़्यादा लोगों का आभा मंडल उसके आभा मंडल से टकराएगा तो उसे बेचैन कर देगा। लेकिन प्राइमरी का टीचर कुर्सी पर बैठा रहता है और 15 बच्चे उसको घेरे रहते हैं, एक की कॉपी पे एक कॉपी रखता है, एक की कॉपी, पंडित जी हमारा, पंडित जी हमारा, पंडित जी हमारा, और वो न झुझलाता है न टेंशन लेता है, सबको सुनता रहता है, सबको देखता रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ रहते रहते उसका भी आभा मंडल बच्चों की तरह हो गया है। भगवान शिव कैलाश पर क्यों रहते हैं? ताकि पूरे विश्व में उनका आभा मंडल प्रसारित हो सके। भगवान विष्णु क्षीर सागर में क्यों रहते हैं? ताकि उनके आभा मंडल पर कहीं रुकावट ना हो सके। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको भी किसी तरह की अगर अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है तो हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए, जरूर करिए। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जप करिए और इससे आपके आयु पर आया हुआ संकट टलेगा। बंधन के कारण धन का अभाव है तो श्री सूक्त का पाठ करिए। नजर दोष के कारण किसी भी तरह का आर्थिक संकट है तो कनक धारा स्त्रोत भाव विभोर होकर करिए। और अगर नजर दोष के कारण संतान नहीं हो रही है, संतान को कष्ट मिल रहा है या संतान सुख में रुकावट आ रही है तो हरिवंश पुराण का पाठ करिए। विरोधी अगर अचानक बड़ा संकट खड़ा कर दें तो पीताम्बरा बंगलामुखी की साधना करें, बंगला अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करें। हर कष्ट से मुक्ति के लिए अपने घर में नियमित हवन, यज्ञ, कीर्तन या अनुष्ठान कराते रहें। गायत्री मंत्र परिवार का हर सदस्य सुने और कहे जय मां विंध्यवासिनी। Thank you.